बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ शहजाद और आप देख रहे हो जानी बस। दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ जानवरों के रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज की ये वीडियो मेरे उन पाकिस्तानी भाइयों के मुतल्लिक है जो बाहर में बैठे हैं और अपने बेस से दूर हैं, अपने प्यारे के साथ ईद नहीं मना सकते। उनको स्पेशली ईद मुबारक कहने के लिए वीडियो है जनाब। आज की वीडियो में कोई जानवर नहीं होगा। जो जानवरों के शौक़ के लिए वीडियो खोली है जिन्होंने, वो बेशक बंद कर दें। आज की मेरी बात करने का मकसद जनाब उन भाइयों के लिए जो बाहर बैठे हैं, तो वो स्पेशली वीडियो उनके लिए बनाई है। उनको जनाब मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, अपनी जानी बस टीम की तरफ से दिली ईद मुबारक कहता हूँ। आप सब दोस्तों को ईद मुबारक। दोस्तों, सबसे पहले अपना तारफ करवाना चाहूँगा कि मेरा नाम आतिफ शहजाद है जनाब, कोट मोमन का रिहायशी हूँ, डिस्ट्रिक्ट सरगोधा लगता है पाकिस्तान। तो चैनल पे आज अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 सब्सक्राइबर क्लियर हो गए हैं और मेरे भाई बहुत से बाहर बैठे जो मेरे साथ, मेरा साथ दिया, जिन्होंने जो मेरे साथ इस सफ़र में साथ चल रहे हैं, मेरी वीडियो पे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनके लिए जनाब स्पेशली दिल से ईद मुबारक और सलाम पेश करता हूँ। स्पेशली सबसे पहले बात करते हैं जनाब, जो पहला नाम लूँगा मैं, तारफ किसी के मोहताज नहीं है, आप सभी देखने वाले उनको जानते हैं, राजा बिशारत हुसैन साहब, पीछे से रावलपिंडी, और रावलपिंडी भी जगह है, व्याड़ी में उनके अपने फार्म हैं, और इस वक्त हाल मुकीम जो है वो इस वक्त जर्मनी में है। राजा जानी के नाम से आप सारे भाई जानते होंगे। स्पेशली फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको तहे दिल से राय साहब आपको ईद मुबारक भी और सलाम भी। तो दूसरे नंबर पे जनाब आते चलते हैं आगे, माजिद भाई जो इस वक्त बेल्जियम में बैठे हैं, जनाब आपको भी ईद मुबारक और सलाम। तीसरा नाम जनाब शुएब भाई, जर्मनी से इनका भी तल्लक है, शुएब भाई सलाम अलैकुम और ईद मुबारक। जनाब आगे चलते हैं, समर इकबाल साहब यूके से, अंकल मेरे जनाब, अंकल साहब सलाम अलैकुम। और उसके आगे मकसूद अहमद साहब लंदन से हैं जनाब, आप भी, जनाब आप भी दिल की अथाह गहराइयों से आपको भी ईद मुबारक कहते हैं। स्पेशली मेरे करीबी एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाई जो बड़ा प्यार भी करते हैं और स्पेशली कॉल वगैरह करके हर टाइम हाल वगैरह पूछते रहते हैं, मेरे साथ ही तकरीबन 20-25 किलोमीटर के साथ उनका फार्म है, तो रिहायश भी पीछे से इनकी भी है। इमरान वडैश साहब जनाब स्पेन से, जो मेरे साथ 26 चक से हैं पीछे से, जनाब इमरान भाई क्या हाल है, सेहत में ठीक है, तहे दिल से जनाब आपको भी ईद मुबारक। आप बाहर बैठे हैं तो अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मना सकते, आपको भी ईद मुबारक और सलाम पेश करता हूँ। जुल्फकार भाई नार्वे से, शिराज भाई इंग्लैंड से, शिराज भाई क्या हाल है, पीछे से रावलपिंडी से आइए, सलाम करता हूँ। अमर भाई यूके से हैं और आपको भी तहे दिल से ईद मुबारक। या वो नाम जो मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहे, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता, तो वो उनको भी दिली ईद मुबारक, जो रह गए उनको भी तहे दिल से ईद मुबारक, उनका नाम इस वक्त जहन में नहीं है। लेकिन चले आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आप जो दोस्त भाई बाहर बैठे हैं, मैं जानता हूँ अपने प्यारों के लिए इस ईद पे उनके साथ नहीं है, लेकिन कमी हर इंसान को महसूस होती है अपने प्यारों की। तो आज मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोस्तों का सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप बाहर बैठ कर हमें इतना सपोर्ट करते हैं। हालांकि हमारे पाकिस्तान में भाई बड़ा देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बहुत कम भाई कॉल्स वगैरह करके हालचाल या पूछते हैं काम के बारे में, लेकिन आप बाहर बैठ के अपना कीमती वक्त वहाँ से यहाँ पे देते हैं और कीमती वक्त वहाँ से निकाल कर हमें कॉल करते हैं, और स्पेशली जनाब अच्छी से अच्छी बातें, ऐसी बातें बताते हैं जो हमें यहाँ पे कोई भी नहीं बताने वाला होता। तो आपको इसलिए तहे दिल से जनाब सलाम पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना अच्छा टाइम हमें दे सकते हैं बाहर बैठकर। जनाब अगर अच्छा तो ये होता कि आप सारे भाई यहाँ पे आकर अपने प्यारों के साथ कुर्बानी करते और ईद मनाते, अच्छे अच्छे खाने खाते पकाते, लेकिन मैं जानता हूँ आप वहाँ पर बैठ कर क्या महसूस कर रहे होंगे, हालात भी ऐसे हैं। और आप आना तो हर बंदे ही चाहता है कि अपने घर में आए, अपने घर वालों के साथ आए और ईद मनाए, लेकिन इंशाल्लाह दुआ यही है मेरी कि अल्लाह पाक करे कि ये वबा भी जल्दी ख़त्म हो और सारे भाई अपने घरों में ये ईद ना सही तो कम अज़ कम अगली ईद या हर वो दिन तकरीबन ईद होता है जब आप बाहर से अपने घर आते हैं और अपने घर वालों से मिलते हैं, तो वो ईद से कम समा नहीं होता। तो मैं हूँ आतिफ, आज के लिए आपको ईद मुबारक कहनी थी, थोड़ा सा सलाम पेश करना था, क्यों हर वीडियो में जानवर लेकर आना भी कोई बात नहीं होती। तो दो में याद रखिए जनाब, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आगे से आपके लिए अच्छी से अच्छी ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ
आज के बाद का जो मैंने ईद के बाद का सिलसिला ये भी आपको बताने के लिए शुरू किया है कि आज से व्यापारियों के साथ भी काम चलेगा और लोकल जो घरेलू गायें भैंसें होती हैं जो मेरे आसपास के इलाके हैं, आज के बाद इंशाल्लाह वो भी कवर करूंगा ताकि अपने इलाके के जो व्यापारी दो चार जो घर की भैंसें होती हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। घर की गाय होती है जिनका दूध कन्फर्म होता है व्यापारियों से हट के, वो आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो दुआ में याद रखिए, खुश रहिए और सपोर्ट करने का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।